हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सबको वीडियो चाहिए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दीव में फिशिंग बोट्स किनारे पर नजर आ रही है। जून महीने में समंदर में मॉनसून के कारण समंदर में तूफान का नजारा देखने को मिलता है, जिसके कारण मछीमारी करने वाले मछुआरों को समंदर में जाने पर प्रतिबंध होता है, जो मछुआरों के भले के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए ही होता है। मॉनसून के कारण समंदर काफी तूफानी हो जाता है, जिसके कारण समंदर में एक भी बोट नहीं टिक पाती। तो आप देख सकते हो कि पोर्ट पर भारी मात्रा में बोट पड़ी हुई है। पहली जून से फिशिंग बोट्स को समंदर में जाने पर प्रतिबंधित किया जाता है। इसके कारण समंदर में से सारी बोट वापस आ जाती है और सभी बोटों को क्रेन की मदद से किनारे पर रख दिया जाता है, और उसके बाद मछुआरों को अपनी बोट की मरम्मत करने का वक्त मिल जाता है। तो इसी समय में मछुआरे अपनी बोट की मरम्मत भी कर लेते हैं। अगर मौसम अच्छा रहा तो अगस्त से ही फिशिंग करने की परमिशन इन मछुआरों को दी जाएगी, और अगर मौसम अच्छा ना रहे तो 15 अगस्त के बाद ही फिशिंग करने की परमिशन दी जाती है। अगर आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।